हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 20.27 पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो गाइस। और प्यार दोस्तों, कैसे चल रही है तैयारी? ज़बरदस्त है। कैसे चल रही है तैयारी? अब तो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, अब तो आराम से तैयारी करेंगे आप लोग। मुझे पता है कि आप लोग अब बहुत ही आराम से तैयारी करने वाले हैं। और मुझे तो लग रहा था कि पेपर अगर हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता कंपेरिजन अगर इसके, लेकिन एग्ज़ाम जो है आपका कैंसिल हो गया। मुझे बहुत ही खेद है इस बात का कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लेकिन फिर से तो पेपर तो होना ही होना है, दोबारा होगा। ये भी एक कहावत है ना कि जो बकरी जो है कब तक अपना खैर मनाएगी, या बकरा कब तक अपना खैर मनाएगा। ठीक है, कटना तो है ही, पेपर तो देना ही है। 2 महीने बाद दोगे चाहे 3 महीने बाद दोगे, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म तो फिलअप किया है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहले सेशन से। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताएं? फ्रॉम वेयर इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन ऑब्टेन? कह रहा है गंगा घाटी, जमुना घाटी, बेलन घाटी, हिमालय घाटी, बताएं क्या होता है दोस्तों? प्रयास करेगा इसका तो आपका बिल्कुल सही गाइस, बेलन घाटी इज द राइट आंसर। बेलन घाटी इज द राइट आंसर, बेलन घाटी इज द राइट आंसर गाइस। बेलन वैली जो है, ये बेलन घाटी मिर्जापुर में स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है, क्लियर। और ये मिर्जापुर की जो बेलन घाटी है, यहीं पर टोंस नदी के किनारे, याद रखना टोंस नदी, याद रखना टोंस नदी के किनारे बेलन घाटी है, जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, और यहाँ से हमें गाइस यहाँ से हमें पूरा पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल के अवशेष भी मिलते हैं। पूरा पाषाण काल के अवशेष के दृष्टिकोण से ये प्लेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, सीजल का पेपर टाइम पे होगा भाई, सीजल के साथ कुछ छेड़खानी नहीं होगी, सीजल बिल्कुल टाइम पे होगा। दिल्ली के पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने दक्षिण भारत के विजय का प्रयास किया था, बताएं। अगर यहाँ पे हम चार ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श यानी कि दानशील व्यक्ति कहलाता है, दानशील व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। इसी ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है, ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। यही ऐबक है जिसने इतिहास में कुतुब मीनार का निर्माण कराया, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, लाहौर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगला ये और भी ऑप्शन, नसरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, बताएं। जलालुद्दीन बात करें तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो यही आपका जलालुद्दीन खिलजी था, जबकि इसका आंसर सी है, अलाउद्दीन खिलजी। नोट कर लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत के विजय करने का प्रयास किया था। और इसी अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसे अली गुरशर्फ, इसका एक और नाम है अली गुरशर्फ के नाम से भी जाना जाता है। कौन? यही अलाउद्दीन खिलजी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन गाइस, ये आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अग्निवेदिकास हैव बीन ऑब्टेन? जवाब दें, प्रयास करें। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा एंड लोथल। भाई यहाँ पे लोथल दो बार रिपीट हो गया है, तो अब आपको जवाब क्या देना है वो आपके अकॉर्डिंग बनाएं क्या होगा आपका। प्रयास करिए, कोशिश करिए, अटेम्प्ट लीजिए, क्या उत्तर है आपका बताएं, फटाफट का जवाब दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं बताएं? अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई थी, याद रखना, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, अगर लोथल की बात करें तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी याद रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। एस आर राव ने इसकी खुदाई कराई थी। और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इसकी खुदाई अमलानंद घोष और बी के थापड़ के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त याद रखिएगा, ये तीनों ही आंसर सही हैं। यहाँ पे मिस्टेकली गलत हुआ था, कालीबंगा प्लस लोथल से हमें कालीबंगा लोथल दोनों से ही हमें
अग्निवेदिका के साक्ष्य मिलते हैं, अग्निवेदिका के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे लोथल और कालीबंगा दोनों याद रखना, दोनों याद रखना। चलो गाइस अगला क्वेश्चन। गाइस प्यारे दोस्तों मैं आपसे फिर से रिपीट कर दूं, प्यारे दोस्तों प्यारे बच्चों, अगर आपने सेशन लाइक नहीं किया तो सेशन लाइक करिए, सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट गाइस। और प्यारे दोस्तों अगर आपने शेयर नहीं किया है भाई तो शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त, लाइक एंड शेयर करते चलें गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज ड्यू टू वायरस, बताएं क्या होगा आपका, वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, इबोला, एड्स, सॉर्स या उपरोक्त सभी, क्या होगा मेरे दोस्त, जवाब दीजिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए, अटेम्प्ट लीजिए, क्या उत्तर है आपका, प्रयास जरूर करें, कोशिश जरूर करें, जवाब दें, बिल्कुल सही गाइस, दिस राइट आंसर। और आपको याद होगा एलिसा, एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट याद है ना, पूछा था अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ था, एलिसा टेस्ट के माध्यम से हम एड्स की बीमारी का पता लगाते हैं, अभी आया था क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट क्या है, एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए जो टेस्ट होता है उसको एलिसा टेस्ट के नाम से जाना जाता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्रा कहा जाता था, बताएं, विच गुप्ता किंग वॉज कॉल्ड लिच्छवी दोहित्रा, क्या उत्तर है दोस्तों, बताएं क्या उत्तर होगा गाइस, प्रयास करें दोस्तों, क्या उत्तर आपका भाई, प्रयास जरूर करें, कोशिश जरूर करें गाइस। श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकेंड, समुद्रगुप्ता। अगर हम श्रीगुप्त की बात करें तो ये गुप्त वंश का संस्थापक था कौन, श्रीगुप्ता याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें तो महाराजा याद रखना, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था किसने, इसे चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने। और सेकंड की बात करें तो इसने विक्रमादित्य याद रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, विक्रमादित्य की उपाधि। और समुद्रगुप्त की बात करें तो इसे अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण करते हैं समुद्रगुप्ता ने। ठीक है, तो यहाँ पे लिच्छवी दोहित्रा किसे कहा गया है, तो बिल्कुल गाइस समुद्रगुप्त को कहा गया। और इसी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, किसको, इसी समुद्रगुप्त को। और इसी समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था, क्या कहा जाता गाइस, कविराज भी कहा जाता था, आई होप यू अंडरस्टैंड। गाइस अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है, बता दे रहा हूं आपको क्या करनी है भाई, मैचिंग, तो भाई फटाफट मैचिंग कर दीजिए, क्या होगा आपका। चले गाइस मैचिंग करते हैं, आपको एक तरफ जो है माउंटेन रेंज है, दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एक तरफ पर्वत श्रृंखला और दूसरी तरफ है महाद्वीप, तो गाइस मैचिंग करें, जवाब दें। सर ग्रुप डी कब तक हो सकता है, अब मोहम्मद आसफ ग्रुप डी भी जल्द से जल्द होगा, ये महामारी का दौर है, तो महामारी में थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर ग्रुप डी का भी पेपर हो जाएगा जी, बताएं फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा आपका, प्रयास करेगा इस एंडीज रॉकी एटलस एंड ग्रेट डिवाइडिंग, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपका, बताएगा इसका, तो आपका प्रयास जरूर करेगा इस। प्यारे दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग की बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, एटलस की बात करें तो भाई अफ्रीका चलना पड़ेगा, रॉकी बात करें तो नॉर्थ अमेरिका चलना पड़ेगा, और एंडीज की बात करें तो साउथ अमेरिका चलना पड़ेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों याद रखना, एंडीज माउंटेन विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज माउंटेन रेंज है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैचिंग और डी का चौथा सब में है और सी का पहला एक में है, तो बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न साइड में है ग्रेट डिवाइडिंग, क्या बात है, रवि वार्गी ने तो भाई दिल जीत लिया, बिल्कुल सही गाइस। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन गाइस, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन अधिकारी करता था, यानी मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन करता था, बताएं, विच ऑफिसर यूज टू रिकवर द रेवेन्यू ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, सन्निधात्रे, प्रदेष्ठा, समहर्ता एंड सेनापति, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपका, बताएं फटाफट जवाब दीजिए, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी कौन, सन्निधात्रे, प्रदेष्ठा, समहर्ता, सेनापति, क्या होता है दोस्तों, प्रयास करें, कोशिश करें, क्या आंसर होगा आपका, बनाएं।
चलिए गाइस, मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में समझ लीजिए मौर्य काल की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, क्लियर दोस्तों। और इस काल में जो इसका प्रशासन था, याद रखिएगा, इसका जो प्रशासन था पूरी तरह से केंद्रीकृत प्रशासन था। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी किसके? मौर्य काल के। बिल्कुल गाइस, अगर इसके आंसर की बात करें तो बिल्कुल समहर्ता इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, समहर्ता इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर बिल्कुल सही। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन गाइस, कह रहा उस वायरस का नाम बताएं जो संक्रमित जानवरों, पक्षियों और इंसानों के काटने से फैलता है। जानवरों, पक्षियों, इंसानों को काटने से फैलता है। रेबीज, इबोला, फ्लेवी वायरस, उपरोक्त सभी। क्या उत्तर है दोस्तों? प्रयास करें, कोशिश करें। क्या उत्तर आपका? नेम द वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बिटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट टू द ह्यूमन। जवाब दें दोस्तों, क्या उत्तर आपका? खुश रहो, सब अच्छा है। अंजलि यादव जी, बहुत अच्छा बेटा। राहुल कुमार जी, स्वागत है आपका। राहुल कुमार जी, स्वागत है आपका। रॉडी राजा, स्वागत है आपका। यश भाई, स्वागत है आपका। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, संख्या बढ़ाइए गाइस। प्यारे दोस्तों, फटाफट गाइस लाइक कर दीजिए और फेसबुक पे शेयर करें। अगर व्हाट्सएप पे शेयर नहीं किया तो व्हाट्सएप पे शेयर करें। अगर टेलीग्राम पर शेयर नहीं किया तो टेलीग्राम पे शेयर करें। लेकिन शेयर करते चलें गाइस। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अष्ट महास्थान कौन सा नहीं है? नहीं कह रहा है, बताओ अष्ट महास्थान कौन सा नहीं। बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट प्लेस। क्या होता है गाइस? लुम्बिनी, राजगृह, कुशीनगर, तक्षशिला। बताएं क्या होगा आपका? ये तो कंफर्म है कि ये बौद्ध धर्म से पूछ रहा है। बौद्ध धर्म के आठ स्थानों में से कौन शामिल नहीं है? जवाब दें, लुम्बिनी, राजगृह, कुशीनगर, तक्षशिला में से क्या उत्तर होना चाहिए? प्रयास करिए, कोशिश करिए, अटेम्प्ट दीजिए। क्या उत्तर है आपका? अष्ट महास्थान में से कौन नहीं है? बताएं, फरोग का जवाब दीजिए दोस्तों। क्या उत्तर है आपका? प्रयास करते चलिए गाइस। क्या आंसर होना चाहिए? जवाब दो दोस्तों, क्या उत्तर होगा आपका? बिल्कुल सही गाइस, आंसर की बात कर, बिल्कुल सही, तक्षशिला इज राइट आंसर। बिल्कुल सही, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ये तो कंफर्म है ना, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और राजगृह में प्रथम बौद्ध सभा हुई थी, ये भी कंफर्म है ना, प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में हुई थी, भी कंफर्म है। और कुशीनगर में क्या हुआ था? तो कुशीनगर में मृत्यु हुई थी ना, ये भी कंफर्म है। ठीक है, और तक्षशिला में गाइस कुछ नहीं है इनसे रिलेटेड। तो प्यारे दोस्तों, अष्ट महास्थान में तक्षशिला शामिल नहीं होगा, नोट कर लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? मरुस्थल है, देश है, गिब्सन डेजर्ट, चिले, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, पैटागोनिया अर्जेंटीना, कालाहारी बोस्वाना। जवाब दें क्या होगा आपका? प्रयास करेगा इसका उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कोशिश करेंगे इसका उत्तर आपका। भाई प्रयास करें, कोशिश करें, क्या उत्तर होगा आपका? अब भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आठ अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये आठ अष्टांगिक मार्ग है। चल भाई जवाब दें क्या होता है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, बनाए। बिल्कुल गाइस, गिब्सन डेजर्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, गिब्सन डेजर्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का चित्र बनाकर दिखाऊं तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप। ध्यान से देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप, ये रहा गाइस गिब्सन डेजर्ट, ये रहा गिब्सन, ये रहा मेरे दोस्तों गिब्सन, ये रहा प्यारे दोस्तों गिब्सन के साथ, ये रहा सैंडी, और सैंडी के साथ ये रहा मेरे दोस्तों विक्टोरिया डेजर्ट, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। और ये रहा आपका तनामी डेजर्ट, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहा आपका सिम्पसन,
ये रहा कौन सा, सिम्पसन डेजर्ट, तो ये रहा आपका स्टुअर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। क्लियर है? अरे क्लियर है, यानी ऑस्ट्रेलिया को थर्स्टी लैंड, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, और यहां सबसे ज्यादा डेजर्ट 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 की देखा जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, बताएं तृतीय बौद्ध सभा कहां किसके काल में हुई थी, बताएं। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द टीचर? अरे भाई ये कह रहे हैं कि आप टीचर के बारे में क्या सोचते हैं। अरे भाई लिरिकल, अरे भाई क्या बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपने पूछ दिया है बच्चों से। तृतीय बौद्ध सभा किससे संबंधित है, बताएं किसके काल में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बताएं। क्या होगा दोस्तों, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द थर्ड बुद्धिस्ट, म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक नहीं है, यहाँ पे काउंसिल है, काउंसिल याद रखिएगा, काउंसिल पूछा है मेरे दोस्त, क्या पूछा है मेरे दोस्त, काउंसिल पूछा है, बताएं क्या उत्तर होगा आपका, प्रयास करें प्रयास करें प्रयास करें। अरे भाई कैप्टन कुक ने अंकुर गोयल, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, ठीक है। चल भाई अब यहां पे तृतीय बौद्ध संहिति किसके काल में हुई थी, बताएं प्रयास करें क्या होगा आपका, अशोक काल अशोक कनिष्का एंड अजासूत्रा। बिल्कुल गाइस इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। अब ध्यान से सुनिए, अजातशत्रु के समय में प्रथम हुई थी, प्रथम, ठीक है, कनिष्क के समय में चौथी हुई थी याद रखिएगा, ठीक है, काला अशोक के समय में दूसरी हुई थी याद रखिएगा, ठीक है, और अशोक के समय में तीसरी हुई थी याद रखिएगा, ठीक है। अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुई थी याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ हुई थी राजगृह में, कनिष्क के समय में कश्मीर में हुआ था याद रखिएगा, ठीक है, काल अशोक के समय में वैशाली में हुआ था याद रखिएगा, वैशाली, और अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्रा याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा, ठीक है। आगे बढ़ूं, चले गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, होस्ट सेल में आरएनए वायरस की प्रकृति, इन द होस्ट सेल रिप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस टुक प्लेस, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। जवाब दें, प्रयास करें कोशिश करें, अटेम्प्ट लें अटेम्प्ट लें अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर होगा आपका, प्रयास करें गाइस, क्या उत्तर होगा गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, प्रयास करिए। होस्ट सेल में आरएनए वायरस की प्रकृति क्या है, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल में, क्या उत्तर होगा आपका, प्रयास करें कोशिश करें मेरे दोस्तों, कोशिश करें अटेम्प्ट लें अटेम्प्ट लें अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर होगा आपका, बिल्कुल सही, साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर, साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही गाइस। उज्जित उत्तेज उत्तेज अरिन उत्तेज का आंसर बिल्कुल सही है, उत्तेज का आंसर बिल्कुल सही है भाई, उत्तेज का आंसर जी। सी एच एस एल का एग्जाम है, स्टेट में पोस्टपोन्ड हो गया है, क्या बताया प्लीज। एस एस सी सी जी एल का एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है, सी एच एस एल पोस्टपोन्ड हुआ है, सी जी एल का पेपर अपने टाइम पे होगा। चलो गाइस अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था, गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र का नाम, हम गौतम बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें याद रखना, गौतम बुद्ध, ठीक है, जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, 563 बीसी में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था याद रखिएगा, लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पर है, तो कपिल वस्तु में है याद रखिएगा, कपिल वस्तु कहाँ पे है, तो नेपाल याद रखिएगा, नेपाल में, नेपाल के कपिल वस्तु में लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन जो था, इनके पिता का नाम था, इनकी माता की बात करें, इनकी माता का नाम महामाया था, इनकी माता का नाम महामाया था, नहीं सातवें दिन इनकी मृत्यु हो गई, सातवें दिन जन्म देते ही सातवें दिन मृत्यु हो गई थी किनके, इनकी माता महामाया के, तो इनका पालन पोषण किसने किया, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन पोषण किया था, और यही इनकी सौतेली माता भी थी, ये सौतेली माता भी थी याद रखना, ठीक है, सौतेली सौतेली माता भी थी याद रखना, क्लियर। इनका जो विवाह हुआ था यशोधरा नाम की कन्या से हुआ था याद रखिएगा, और इसी से राहुल का जन्म हुआ था याद रखिएगा, किसका जन्म हुआ था, राहुल 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 राहुल, क्लियर। चन्ना जो था इनके सारथी का नाम था याद रखना, सारथी का नाम था चन्ना याद रखिएगा, ठीक है, सारथी का नाम चन्ना था याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, हाँ
बाद में बात करता हूँ, अभी 5 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं कौन स्टेटमेंट को सही पढ़ता है, कौन सही से जवाब देता है। सर इस बिट्स का पीडीएफ मिलेगा क्या? अरे रसूल शेख भाई, रसूल शेख, रसूल शेख यार, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, इतना आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्लियर? चले तो जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका। फटाफट गाइस, रसूल शेख मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा हूं कि अब सारे के सारे पीडीएफ आपके पास अवेलेबल हो जाए। इसी लिंक में मैं आपको पीडीएफ देने का प्रयास करूंगा। बताओ निम्नलिखित कर रहा हूं, या मैं कोशिश करता हूं टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ देता रहूं, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ देता रहूं। चले गाइस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गिर पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य में स्थित है। गिर पर्वत श्रृंखला एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। गिर पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट के उत्तर में स्थित है। जवाब दें क्या उत्तर है आपका। फटाफट गाइस, ये रहा आपका साउथ इंडिया, ये रहा आपका साउथ इंडिया, और ये रहा आपका गिर, ये रहा आपका गिर हिल्स, याद रखिएगा ये रहा आपका गिर हिल्स, ठीक है। और ये रहा आपका वेस्टर्न घाट, ये रहा आपका वेस्टर्न घाट, याद रखिएगा ये रहा आपका वेस्टर्न घाट, याद रखिएगा ये रहा आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, क्लियर। और ये किसके लिए फेमस है? तो एशियाई सिंहों के लिए फेमस है, ये तो कन्फर्म है कि एशियाई सिंह के लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, तीनों सही हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सही हैं, सही हैं, सही हैं, ठीक है। यानी गिर पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य में स्थित है, एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिमी घाट के उत्तर में, क्लियर। गिर पर्वत श्रृंखला स्थित है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन गाइस, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? जवाब दें क्या होता है गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होता है आपका, प्रयास करना है गाइस। यानी ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ नटराज बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? चोल, चेर, पांडे, राजकूट, क्या होता है गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होता है आपका, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका, प्लीज जवाब दें। अब ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ नटराज, ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ नटराज बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, विच डायनेस्टी, एंड वॉट इज योर आंसर गाइस, टेल मी प्लीज। चोल, चेट, पांडे एंड राजकोट, बिल्कुल सही, चोला डायनेस्टी इज द राइट आंसर, चोला डायनेस्टी इज द राइट आंसर। एंड इफ इट इज अबाउट द चोल डायनेस्टी, देन यू कैन से दैट विद्यालय वॉज द फाउंडर ऑफ, विद्यालय वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, याद कर लीजिए। चोल वंश का संस्थापक कौन, चोल वंश का संस्थापक कौन, तो चोल वंश का संस्थापक था आपका विद्यालय वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। और इसी चोल डायनेस्टी की बात करें तो इसका स्थानीय स्वशासन याद रखना, स्थानीय स्वशासन चोल वंश के लिए फेमस है, चोल वंश के लिए फेमस है, याद रखना। अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर विच पीरियड वायरस रिप्लिकेट्स इन द बॉडी एंड स्टार्ट्स टू अफेक्ट द होस्ट, किस अवधि के बाद वायरस शरीर में प्रतिकृति बनाता है और प्रभावित करना शुरू कर देता है? बताएं, इनकम्बेशन पीरियड एंड अनकॉटिंग पीरियड एंड पेनिट्रेशन पीरियड, उपरोक्त में से कोई नहीं, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपका, प्लीज जवाब दें गाइस, क्या उत्तर है आपका, प्रयास करें गाइस, यू कैन डू दिस, आप कर सकते हैं, बनाएं, क्या उत्तर होगा आपका, प्रयास जरूर करें गाइस, फटाफट जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा, किस अवधि के बाद वायरस प्रकृति में प्रतिकृति बनाता है, क्या होता है गाइस, बिल्कुल सही, इनकम्बेशन पीरियड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, उष्मायन विधि इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, क्लियर, प्यारे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्लियर, क्या आपने अब तक लाइक कर दिया? अगर आपने लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्या आपने शेयर कर दिया? अगर आपने शेयर नहीं किया तो बहुत गंदी बात है, अगर आपने लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर शेयर नहीं किया मेरे दोस्तों तो बहुत गंदी बात है, शेयर करना शुरू कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करना शुरू कर दीजिए। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? बताएं क्या होता है दोस्तों, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपका, बताएं,
फर्स्ट जवाब दिया दोस्तों, क्या होता है आपका महाकाल का लाडला का ए, दीपक का आंसर ए, प्रसन्नजीत करार का ए आ रहा है, और तानिया गहलोत का ए आ रहा है, एंड आरुषि कुमारी का ए आ रहा है, और महाकाल का ए आ रहा है, दीपक का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही। अगर ए आ रहा है तो ए दिक्कत क्या है। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो दंती दुर्ग याद रखना, दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, याद रखना, क्लियर। भारतीय इतिहास में राष्ट्रकूट वंश का भी अपना एक अलग महत्व दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे आपको देखिए वन जीव अभयारण्य है, राज्य है, यानी एक तरफ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और दूसरी तरफ स्टेट है, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है, नॉट करेक्टली मैच कह रहा है, ठीक है। सलीम अली जम्मू कश्मीर, शांत घाटी केरल, अबोहर हरियाणा, केबुल लामजाओ मणिपुर, जवाब दें, प्रयास करें, क्या आंसर होगा आपका, रहेगा इसका तो आपका फर्स्ट जवाब दीजिए, साथ साथ में ये भी जवाब दें, साथ साथ में ये भी जवाब दें गाइस के अगर जवाब दें वेंडा टेंगल, अगर वेंडा टेंगल पूछ दे वेंडा टेंगल कहाँ पर है, जवाब दें वेंडा टेंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, जवाब दें, क्लियर है। सांसद जवाब दें ऊषा कोटी कहाँ पे है, जवाब दें। सांसद में ये भी जवाब दें सिमलीपल कहाँ पे, ये भी जवाब दें सिमलीपल, जवाब दें सिमलीपल कहाँ पे, जवाब दें। सांसद में ये भी जवाब दें वाइल्ड एस कहाँ पे है, ये भी जवाब दें। चार अलग से पूछ रहा हूँ, बताओ क्या होगा आपका। इसका तो आंसर बिल्कुल सही, अबोहर बिल्कुल सही है। वेंडा टेंगल कहाँ पे, तमिलनाडु टिक कर देना। ऊषा कोटी पूछे और सिमलीपल पूछे तो उड़ीसा टिक कर देना, याद रखना, और वाइल्ड एस पूछ दे तो गुजरात टिक कर देना मेरे दोस्तों, क्या टिक कर देना, गुजरात टिक कर देना, बिल्कुल सही गाइस। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसकी समकालीन थे, ब्रिटेन की रानी किसकी समकालीन थी, बताओ क्या होता है गाइस। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ ब्रिटेन वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, क्या होता है गाइस, जवाब दें प्रयास करें, बिल्कुल सही। अगर ब्रिटेन की रानी कहाँ से संबंधित थे, तो अकबर से संबंधित थे, अकबर के समकालीन थे, याद रखना। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 31 दिसंबर याद रखना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का, क्लियर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरब के साथ व्यापार करने का चार्टर मिला था, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया है। गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस वायरस में पाए जाते हैं, बताएं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन विच वायरस, क्या होता है दोस्तों, प्रयास करिए, क्या आंसर है आपका। डबल स्टैंडर्ड पूछ रहा है, बिल्कुल सही, पॉक्स वायरस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला कोई क्वेश्चन कह रहा है, अब्दुल कादिर बदायूं, नकीब खान एंड थानेश्वर किसके दरबार में थे, बताएं। अब्दुल कादिर बदायूं, नकीब खान एंड थानेश्वर वर इन हुज कोर्ट, चार ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, क्या होता है दोस्तों, प्रयास करेगा इसका तो आपका, भाई प्रयास करें, क्या उत्तर गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उतरना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, प्रयास करें गाइस, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर आपका, कोशिश करें गाइस, अटेम्प्ट लीजिए, क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जवाब दें गाइस, चलिए बिल्कुल सही, अकबर इज द राइट आंसर, अकबर के दरबार में थे, क्लियर। इसी अकबर को बात करें तो अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी, यही अकबर था जिसने जजिया कर पर रोक लगाई थी, यही अकबर था जिसने तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगाई थी, यही जहांगीर था जिसने बात करें न्याय व्यवस्था पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। चित्रकला का स्वर्णकाल इसी के लिए जाना जाता है। शाहजहां की बात करें तो महाना वेतन प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक कौन, शाहजहां। और इसी औरंगजेब की बात करें तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, कौन, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व की प्रधानता भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट प्रीमेसी इन द अर्थ क्रस्ट, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन एंड ऑक्सीजन, क्या होता है दोस्तों, प्रयास करेगा इसका तो आपका, कोशिश करेगा इसका तो आपका, प्रयास करें, कोशिश करेगा इस फर्ज आप जी हम
ना भाई गूगल करके आंसर नहीं देते हैं। अच्छा विपिन राजपूत कह रहे हैं हम गूगल करके आंसर नहीं देते, ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गूगल करके आंसर नहीं देते हैं तो बताइए क्या तो है आपका। चलिए गाइस तो बिल्कुल सही, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, क्योंकि 47% ऑक्सीजन पाया जाता है। आयरन की बात करें 5% पाया जाता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन की मात्रा की बात करें 0.03% ये आपका एटमोसफेयर में पाया जाता है। नाइट्रोजन 78% जो है एटमोसफेयर में पाया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? किताबुल हिंद की रचना बताएं, हु कंपोज द बुक कॉल बुक किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, किताब, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी बताएं? किताब अल हिंद की रचना करने का श्रेय किसको दिया जाता है बताइए क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, अल बरूनी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही, अल बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद की रचना किया गया था, जबकि इब्न बतूता ने अपने टाइम पीरियड में रहला नामक पुस्तक की रचना किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन गाइस, एक वायरस एक प्रोटीन सेल के अंदर एक डीएनए और आरएनए जीनोम से बना होता है। ए वायरस इज मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए जीनोम इनसाइड ए प्रोटीन शेल नॉन एस कैप्सिड होस्ट एन एनवलप एंड जॉम्बीज बनाए क्या होगा आपका? प्रयास करें गाइस, डीएनए और आरएनए जीनोम से बना होता है, बिल्कुल सही, कैप्सिड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, कैप्सिड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस, किस सल्तनतकालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच में इसकी इजाजत के बिना त्योहारों मनाने पर रोक लगा दिया था, दावतों त्योहारों पर रोक लगा दिया था बताएं, किस शासक ने सल्तनत काल में किसी भी अमीर को दावत देने त्यौहार मनाने पर पूरी तरह से रोक लगाया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी एंड बलबन, जवाब दें क्या होगा आपका? प्रयास करें कोशिश करें गाइस, बिल्कुल सही, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। इसी अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी था जिसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा क्या थी, अच्छी थी, क्लियर है, और यही अलाउद्दीन खिलजी था जिसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण इसी के समय में हुआ था, किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, क्लियर, और यही बलबन था जिसने रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन करने का श्रेय इसी बलबन को दिया जाता है, और यही था जो अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता है, योजनाओं के लिए कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, और ये नहर सिंचाई के लिए जाना जाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन गाइस, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? बाबर हैज डिस्क्राइब द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ इंडिया, कृष्णदेव राय, राणा सांगा, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें क्या उत्तर है आपका? प्रयास करें गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? अरे प्रयास करो, क्या उत्तर है आपका? प्यारे दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भाई अगर आपने लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करिए यारो, लाइक करिए, और प्यारे दोस्तों अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए गाइस, लाइक एंड शेयर करते चलें। बताएं, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था? बिल्कुल सही, कृष्णदेव राय इज द राइट आंसर, क्लियर। कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे? तो ये विजयनगर के शासक थे। कौन? कृष्णदेव राय। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? तो ये मेवाड़ के शासक थे मेरे दोस्त। और यही बाबर था जो मुगल वंश का संस्थापक था। कौन? बाबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जा गया था? कॉन्स्टिट्यूशन डे वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1923, 26 नवंबर 1951, जवाब दें, प्रयास करें, क्या उत्तर है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन डे कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, बताओ क्या होता है आपका? भाई एक एक बच्चा कोशिश करे, जवाब दे क्या उत्तर है आपका, बताएं। संविधान दिवस, बिल्कुल सही, 26 नवंबर 1949 इज द राइट आंसर, याद रखना, जबकि 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं किसका? 26 जनवरी 1950 को, चले, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया
जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है? रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है? वेयर इज द रूमी दरवाजा ए फेमस मोन्यूमेंट अमंग द फॉलोइंग सिटीज? जवाब दें, प्रयास करें, क्या उत्तर है आपका? रूमी दरवाजा ए फेमस मोन्यूमेंट अमंग द फॉलोइंग सिटीज, क्या उत्तर है दोस्तों? बताएं, रूमी दरवाजा की बात कर लखनऊ में है, बिल्कुल सही। रूमी दरवाजा कहां पर? लखनऊ में है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग, कह रहा जा रहा है मादा जनन अंग से क्या स्राव होता है? विच हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन ह्यूमंस? जवाब दें, प्रयास करें, प्रयास करें, प्रयास करें, प्रयास करें, क्या उत्तर होगा आपका? कोशिश तो करो, जवाब तो दो, क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल रिलैक्सेशन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, क्लियर। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो इस दौरान यह हार्मोन्स निकलते हैं, याद रखना, यही हार्मोन्स निकलते हैं जिसके कारण से बच्चा पैदा होने में इजी होता है, क्लियर है? चलेगा इस अगला क्वेश्चन, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? मेहरुनिसा पूछ रहा है, मेहरुनिसा बताओ, नूरजहां, मरियम जमानी, सलीमा, इनमें से कोई नहीं, क्या होता है गाइस? फटाफट जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा आपका? मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? नूरजहां, मरियम जमानी, सलीमा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही, नूरजहां इज द राइट आंसर। और ये किसकी बीबी थी? तो जहांगीर की बीबी थी, जहांगीर की बीबी के लिए फेमस थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा निर्माण किस प्लान के तहत किया गया था? बताएं, कह रहा अंडर विच प्लान वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रपोजल, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन प्लान? जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें। क्रिप्स की बात करें, क्रिप्स 1942 में आया था, अगस्त प्रपोजल 1940 में दिया गया था, कैबिनेट 1946 में आया था, और ये 1947 में आया था, ठीक है? तो बिल्कुल सही, कैबिनेट मिशन प्लान इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग हमारी संविधान सभा का फॉर्मेशन किया गया था। अगला क्वेश्चन गाइस, अकबरनामा किस भाषा में है? इन विच लैंग्वेज इस अकबरनामा? फारसी, चगताई, उर्दू एंड हिंदी? जवाब दें दोस्तों, क्या होगा आपका? प्रयास करेगा इस, क्या होता है आपका? अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई? बिल्कुल सही, फारसी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। और लिखा किसने है अकबरनामा? लिखा किसने है? तो अबुल फजल की है, याद रखिएगा, अबुल फजल के अकबरनामा है जो अकबर के सम्मान में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन गाइस, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? बताएं, हु कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स इन ह्यूमंस? जवाब दे, क्या तो है आपका? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम एंड इनमें से कोई नहीं, प्रयास करें, प्रयास करें, प्रयास करें, क्या तो है आपका? 33वां जवाब दीजिए दोस्तों, क्या तो है आपका? मनुष्य की ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करना किसके द्वारा किया जाता है? बताएं प्यारे दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप में से कोई भी बच्चे ने अगर लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करिए, अगर आपने अब तक शेयर नहीं किया मेरे दोस्त तो शेयर करिए, लाइक एंड शेयर करते चलें। बताएं, क्या था दोस्तों? बिल्कुल सही, सेरिब्रम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सेरिब्रम इज द राइट आंसर। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा राज्य विकसित हुआ था? तुंगभद्रा, कह रहा है, बताओ क्या होगा आपका? तुंगभद्रा के तट पर कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल सही जवाब दे दें तो बिल्कुल सही, विजयनगर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, विजयनगर इज द राइट आंसर। और विजयनगर का संस्थापक कौन था? तो हरिहर, याद रखिए, हरिहर और बुक्का याद कीजिए, पेपर में आया था, CHSL में आया था, अभी जस्ट CHSL 2021 के पेपर में पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आंसर टिक करना था हरिहर और बुक्का। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से ली गई? ये भी क्वेश्चन आया था CHSL में। इन इंडिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम इज डेराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? बताएं क्या होगा आपका? प्रयास करें दोस्तों, क्या होगा आपका? कोशिश करेगा इस, क्या आंसर होगा आपका? जवाब सब लोग दें, कोशिश सब लोग करें, बिल्कुल सही, आयरलैंड इज द राइट आंसर। और यहां से लिया गया फंडामेंटल राइट, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट, याद रखिएगा, कॉन्करेंट कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और कैनेडा से सबसे फेमस गवर्नर का प्रोविजन कैनेडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ पे नियंत्रित होता है? वेयर इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी? जवाब दे, क्या उत्तर है आपका?
शरीर का तापक्रम कहां पर नियंत्रित होता है? बिल्कुल गाइस, हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर, हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। निम्न में से किस अनुच्छेद में बच्चों को अनिवार्य शुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स फॉर द कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन? बताएं क्या होता गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर आपका? बिल्कुल सही, अनुच्छेद 21 ए इज द राइट आंसर, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 21 से जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका प्रयोग करती हैं? बताएं, व्हाट डज द सेल ऑफन यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल एंड सुक्रोज। बताएं कोशिका ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग करती हैं? बिल्कुल गैस, ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एसिड्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस? बताएं क्या होगा आपका, प्रयास करेगा इस। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जो रह गया हो भूल से, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो। और प्यारे दोस्त, अगर आप में से किसी बच्चे ने अब तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो मेरे दोस्तों, लाइक एंड शेयर करते चलें। प्यारे दोस्तों, लाइक एंड शेयर तो बनता है यार, इतना तो हक बनता है हमारा कि आप शेयर करेंगे। बिल्कुल सही, mRNA इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, mRNA इज द राइट आंसर। निम्न में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता? बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? क्या होता है गाइस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। किसे कहते हैं जीवन का भौतिक आधार? बिल्कुल गाइस, साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्न में से किस रसायन का प्रयोग कपड़ों पर से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज टू रिमूव रस स्पॉट ऑन द क्लॉथ? जवाब दें, प्रयास करें, क्या उत्तर आपका? बिल्कुल गाइस, ऑक्सैलिक एसिड इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, ऑक्सैलिक एसिड इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड? कह रहा है कार्डियोग्राम, हृदय की गति, रेन गैस, दाब का मापन, पायरोमीटर, ताप का मापन, अल्टीमीटर, वायुमान की ऊंचाई। अब की बार के पेपर में ये आया था ना, कल के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा था ना, पेपर में ये वाला पूछा था। ये कब पूछा था भाई, ये कब पूछा था? कल 19 थे, अभी 17 वाले पेपर में पूछा, 17 अप्रैल वाले पेपर में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, तो वायुमान की ऊंचाई नापते हैं। कल ये 17 अप्रैल को पूछा था। इसका आंसर वैसे आपका रेन गेज है, याद रखना, क्योंकि रेन गेज से वर्षा का मापन होता है, वर्षा का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आपको यहाँ पे मैचिंग लगानी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डायनेमो, यांत्रिक घड़ी, लाउड स्पीकर, फाउंटेन पेन, मैचिंग करते हैं। तो फाउंटेन पेन भाई वाटर मैन ने बनाया है, ठीक है। यांत्रिक घड़ी की बात करें तो आई सिंह व लियोंग सेन ने बनाया है, ठीक है। और लाउड स्पीकर की बात करें तो हॉरिस शॉर्ट ने बनाया है, और डायनेमो माइकल फैराडे। तो एक का दूसरा ये रहा, बी का पहला ये रहा, सी का तीसरा ये रहा, और डी का, बिल्कुल गाइस, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन सर, स्टेनोग्राफर 21 अप्रैल जो जिसका एग्जाम था वो भी बाद में होगा सर? आप मनीष गुप्ता, इसकी जानकारी नहीं है मुझे। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जवाब बनता है क्या उत्तर बताएं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? बिल्कुल सही, सौर सेल इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, सौर सेल इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक नहीं कह रहा है, विस्फोटक नहीं है, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस? ट्राइनाइट्रोटोलुइन, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन एंड नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये तो कई बार करा चुका है यार, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो इसमें विस्फोटक नहीं है, बिल्कुल विस्फोटक नहीं है। अनिवार्य में से किसने महात्मा गांधी को भारत में अपना पहला वर्ष अपने कान खुले रखना, मुंह बंद रख के साथ बिताने की संज्ञा दी थी? कान खुले रखना और मुंह बंद रखना, कान खुले रखना, मुंह बंद रखना के साथ समय बिताने की संज्ञा, समय बिताने के लिए कहा था, यानी अपने कान खुले रखना, मुंह बंद करके इस पहला समय गुजारना कहां पर? भारत में। दादा बनारो जी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बन गया आंसर क्या, डी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही, गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। गुजरात में खानदेश पर विजय प्राप्त करने के लिए
अकबर ने निम्न में से कौन सा निर्माण कराया था? बाबा इमाम बारा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सिद्दी बशीर। क्या होता है गाइस? निम्न में से कौन सा निर्माण कराया था? बिल्कुल सही, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बिल्कुल सही, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन गाइस, दिल्ली के किस शासक ने गद्दी पर बैठते समय आलमगीर की उपाधि धारण की थी? बताएं, आलमगीर की उपाधि पूछ रहा है। विच रूलर ऑफ दिल्ली अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर वाइल्ड सिटिंग ऑन द थ्रोन? क्या होता है गाइस? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। प्यारे दोस्तों क्या उत्तर है आपका, बताएं क्या उत्तर है आपका, कोशिश करें गाइस। आलमगीर की उपाधि धारण किए थे, बिल्कुल सही, औरंगजेब इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। और इसी औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किसको डंका बेगम की उपाधि मिली थी? बताएं, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द टाइटल ऑफ डंका बेगम? डंका बेगम की उपाधि किसे मिला था बता दो। क्या होता है आपका? नूरजहां, जीनत महल, रजिया सुल्तान, मुमताज। क्या होता है गाइस? जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें। क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल सही, जीनत महल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, जीनत महल इज द राइट आंसर। दिल्ली के किस शासक द्वारा दो गज जमी बिना मिले कूचे यार में नामक कविता लिखी थी? विच रूलर ऑफ दिल्ली हैज पोएम कॉल्ड टू यार्ड्स ऑफ लैंड नॉट फाउंड इन कूचे यार में? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, आलम शाह एंड औरंगजेब। बताएं क्या होगा आपका, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें। क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहादुर शाह जफर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहादुर शाह जफर इज द राइट आंसर। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया था? बताएं, इन विच लैंग्वेज डिड अब्दुल रहीम खान खाना ट्रांसलेटेड बाबरनामा? बाबरनामा का किस भाषा में ट्रांसलेशन किया गया था? जवाब दें, बाबरनामा का ट्रांसलेशन पूछा है, बाबरनामा का ट्रांसलेशन किस भाषा में किया गया था? बिल्कुल सही, फारसी में किया गया था, फारसी में किया गया था, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस, धुबरी फुलवारी पुल किस नदी पर प्रस्तावित है? धुबरी फुलवारी पुल पूछ रहा है, धुबरी फुलवारी पुल बताएं, ऑन विच रिवर इज द धुबरी फुलवारी ब्रिज प्रपोज्ड? क्या होता है गाइस? जवाब दे दोस्तों, धुबरी फुलवारी पुल किस नदी पर प्रस्तावित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, हुगली। बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस, किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जघन्य अपराध के मामले में न्यूनतम सजा क्या है? बताएं, अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट इन केस ऑफ हिनोरियस क्राइम? क्या उत्तर होगा दोस्तों? बताएं, जघन्य अपराध के मामले में न्यूनतम सजा का प्रावधान कितने वर्ष का? बिल्कुल सही, 7 साल। मिनिमम कितना साल सजा? तो एक बच्चे को मिनिमम 7 साल की सजा दिया जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहां प्रकाशित हुआ था? बताएं, क्या होता गाइस फटाफट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां पे प्रकाशित हुआ था? बिल्कुल सही, आनंद मठ इज द राइट आंसर, बकिम चंद चटर्जी का आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन गाइस, नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये बताएं किसने की? ये जवाब दीजिए, नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? बताएं क्या होगा आपका, प्रयास करें, प्रमोद कुमार मिश्रा, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, मनोज मुकुंद नरवाने। जवाब दें, नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता, बिल्कुल सही, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, एसबीआई। क्या होता है दोस्तों, बताएं क्या होता है आपका, प्रयास करें गाइस, बिल्कुल सही, आरबीआई इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, आरबीआई इज द राइट आंसर। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? भाई, वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया, विराट कोहली को पछाड़ दिया गया है, विराट कोहली अब सेकंड नंबर पे हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन है आईसीसी की रैंकिंग में? मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम एंड मोहम्मद हफीज। क्या होता है गाइस, जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होता है आपका, रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? बिल्कुल गाइस, बाबर आजम। पाकिस्तान वालों ने तो बिल्कुल समझ लीजिए दिवाली मना लिया पाकिस्तान वालों ने, बाबर आजम फर्स्ट रैंकिंग पे आ गए हैं।
अगला क्वेश्चन गाइस, विश्व कला दिवस, विश्व कला दिवस, काला नहीं कला है, कला है बेटा, वर्ल्ड आर्ट डे है, क्लियर। विश्व कला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बताएं क्या होता है दोस्तों। वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, ऑन विच द फॉलोइंग डेज, बताएं 15 अप्रैल, 25 मई, 12 अगस्त, 16 जनवरी, क्या होता है दोस्तों। विश्व कला दिवस कह रहा है, विश्व कला दिवस कह रहा है, बिल्कुल सही, 15 अप्रैल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, 15 अप्रैल इज द राइट आंसर। इनक्लूसिव इंडेक्स, इंडेक्स 2021 में, इनक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इनक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बताइएगा इसका उत्तर, आपका प्रयास करेगा इसका उत्तर, आपका कोशिश करेगा इसका उत्तर, आपका इनक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में, बिल्कुल सही, स्वीडन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, स्वीडन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस, भारत ने कजाकिस्तान के अल्माटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना, ठीक है। कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती हुआ था, इसमें महिला वर्ग में कितने स्वर्ण, कितने पदक जीते गए, बिल्कुल सही, 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। सब मेरा नाम अनाउंस कीजिए, फन फन पो, क्या क्या था फन, क्या था तुम्हारा, क्या नाम था, फन पोहबीबा, पोहबिया, फन पोहबिया नाम है आपका, चलिए क्या होता है गाइस, फटाफट जवाब दीजिए। भारत ने कजाकिस्तान के अल्माटी में, बिल्कुल 7-7 जीते थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की का रोपेक्स जीटी रोड परियोजना बनाई जाएगी, बताएं, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या तो है आपका, फटाफट गाइस जवाब दीजिए। ऑन विच रिवर इज ओडिशा विल द 110 करोड़ रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट बी, क्या होता है गाइस, जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका, बिल्कुल सही, धामरा नदी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, धामरा रिवर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस, विजडन क्रिकेट्स, विजडन क्रिकेट्स अलनाक 2021 में 2010 के दशक के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है, बनाए क्या होता है गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होता है आपका, विजडन क्रिकेट अलमनाक हु हैज बीन इलेक्टेड द ओडीआई प्लेयर्स ऑफ द डिकेड्स फॉर द 2011 एंड 2021, क्या होता है गाइस, जवाब दीजिए दोस्तों, क्या तो है आपका, प्रयास सबको करना है, प्रयास सबको करना है भाई, प्रयास सबको करना है, बिल्कुल सही गाइस, विराट कोहली इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, विराट कोहली इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए तो लास्ट में अब हम लोग जो है, याद रहे आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों देखो यारो, एक पर्सनल आपसे बात करनी है, देखिए आप लोग इतने जने का क्लास लेते हैं, डेली क्लास लेते हैं, लगभग 100 स्टूडेंट अब राइट नाउ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब आपकी बागडोर जो है, लाइक एंड शेयर करने की बागडोर आपके पास है भाई, शेयर किया कीजिए, देखिए शेयर करेंगे तो संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो आपकी क्लास रेगुलर चलती रहेगी, अगर संख्या कम हो गई तो क्लास बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे पहले कह दे रहा हूँ कि भाई लाइक एंड शेयर करने के साथ ही सब लोग करें यार, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर लाइक करते रहिए, क्लास का मजा लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपके मिलती रहेगी, हम आपके लिए नए नए क्वेश्चंस ऐसे बनाते रहेंगे, सफलता जरूर मिलेगी मेरे दोस्तों। तो रात को 10 बजे मिलते हैं आप, रात को 10 बजे याद रखिएगा, 10 PM पर अब मुलाकात होगी, कितने बजे, रात के 10 बजे मुलाकात होगी, याद रखना, ठीक है, रात के 10 बजे मुलाकात करेंगे। और प्यारे दोस्त, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जो SSC की तैयारी कर रहा है, तो प्यारे दोस्त अगर आप में से कोई बच्चा, अगर आप में से कोई भी बच्चा CGL लेना चाहता है, CGL का टेस्ट पैक लेना चाहता हो, या CHSL का टेस्ट पैक लेना चाहता हो, या GD का टेस्ट पैक लेना चाहता हो, GD का टेस्ट पैक लेना चाहता हो, तो प्यारे दोस्त क्लियर, ये मात्र गाइस आपको 448 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा, शायद हो सकता है और भी कम हो जाए, और कोड लगा लीजिएगा Y242 कोड लगा लीजिए, Y242 कोड लगा, गाइस आप ये बैच परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों, ठीक है।